हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार, मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। बॉस मैंने अंतिम देख लिया और अंतिम मूवी जो है ना यार, बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत गंदा है, बहुत कचरा से भरा हुआ है। अगर मैंने ऐसा आपको बोला तो समझ जाना मेरा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये फिल्म ना यार एकदम ना मतलब क्रिसमस की पैकेज की तरह है भाई। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि जब ये फिल्म की स्टोरी खुलता है ना, तब और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है इस फिल्म के अंदर। और हाँ दोस्त, ये फिल्म जो है, ये फिल्म है बॉस आयुष शर्मा का, पर सारा क्रेडिट लेके गए भाई सलमान खान, क्योंकि सलमान खान ने इस फिल्म के अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार काम किया है जो पिछले 3-4 सालों से नहीं कर रहे थे। और यार मुझे सलमान खान का एक्टिंग ना वाकई में बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा, और भाई सरदार के लुक में है तो पाजी के तो क्या कहने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मूवी है अब दोस्त ये, और देखना हमें यही है फिल्म के अंदर कि कैसे राहुल से राहुलिया बनता है आयुष शर्मा, जो आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलेगा ही। और यार इस फिल्म में ना बहुत ही ज़्यादा मस्त मस्त स्टार कास्ट चुना गया है, जिन्होंने काम एकदम एक नंबर किया है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा मस्त। और यार जो म्यूज़िक जो बजता है ना, बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो तो और भी ज़्यादा दमदार होता है यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मस्त म्यूज़िक है दोस्त। अगर आप ये फिल्म देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो KGF की याद ज़रूर आएगी, क्योंकि यार इसकी जो म्यूज़िक है ना बैकग्राउंड, बहुत ही दिल चीर देने वाली म्यूजिक है। और हाँ दोस्त, जब सलमान खान की एंट्री होती है ना, तो और भी ज़्यादा मतलब अंदर से ना खुशी होती है कि यार सलमान खान आ रहा है, क्योंकि यार भाई ना फिल्म के अंदर बोलता कम है और फोड़ता ज़्यादा है, फोड़ता बहुत ज़्यादा है। और यार ये फिल्म जो है, ये है भाई मसालेदार फिल्म, तो आप लोग देख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म और उसी खेत पे खेती करता है, और बाद में पता लगता है और राहुल से बनता है दोस्त राहुलिया, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है ये मूवी। और ऐसा फिल्म ना मुझे 2016 में देखने के लिए मिला था, जो था भाई सुल्तान। और सुल्तान में जो सलमान खान ने एक्टिंग किया था ना भाई, मज़ेदार एक्टिंग, और वैसे उससे भी ज़्यादा अच्छा एक्टिंग आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्त, आप लोग मिस मत करो और जाके ये फिल्म देखो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार इस फिल्म के अंदर, और जैसा कि मैंने बोला था इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो भाई बैकग्राउंड म्यूज़िक तो इतना ज़्यादा दमदार है ना यार। इस मूवी में म्यूज़िक दिया है रवि बसरू ने, जिसने भाई KGF जैसी बड़ी मूवी में भाई इन्होंने म्यूज़िक दिया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर आप फिल्म देखोगे तो भाई आपको उस मूवी का हल्का फल्का याद आएगा, क्योंकि म्यूज़िक तो उन्होंने ही दिया है ना। और इसमें ना एक चीज़ मुझे बहुत मस्त लगा, इंटरवल से पहले ना आयुष शर्मा और सलमान खान सर की जो फाइट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा दमदार है यार, बहुत ही ज़्यादा दमदार है। और यार उसमें ना बहुत मज़ा आता है यार, क्योंकि आयुष शर्मा की एक डिफरेंट लुक है, डिफरेंट एक्टिंग है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस फिल्म के अंदर। तो यार आप लोग मिस ना करो और जाके इंजॉय करो फिल्म। और भी बहुत सारी कुछ देखने के लिए मिलेगा फिल्म के अंदर, जो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ। अगर मैंने आपको बताया तो आप लोग सुन के फिल्म नहीं देखोगे, इसीलिए यार मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। पर हाँ दोस्त, एंड में जो मज़ा आता है ना, वो आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो, और वो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको सिर्फ थिएटर के अंदर। और एंड की जो सीन्स है ना भाई, वो तो फाड़ू है फाड़ू, क्योंकि सलमान खान और आयुष शर्मा 1 या 2 मिनट के लिए भाई फाइट करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। और यार इस फिल्म का ना सबसे जो मतलब माइनस पॉइंट लगा ना मुझे, इस फिल्म का लेंथ दोस्त, क्योंकि इस फिल्म का लेंथ जो है ना थोड़ा सा कम होता ना, तो और भी ज़्यादा मस्त होता फिल्म ये। तो आप लोग जाओ और जाके फिल्म इंजॉय करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।